हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि दिसंबर के मिड में ख़त्म होगा, उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। क्योंकि आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि लोको पायलट का रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, रेलवे में गड़बड़ी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो लोको पायलट की वो थोड़ा कम गई है। तो उसी के चलते मैं आपको बता सकता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो चलिए देख लीजिए। और फ्रेंड, आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो अगर आपने अभी तक मुझे वहां पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि वहां पर भी मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से कराता हूं। तो आप उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ओपन करके मुझे सीधे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट होता है मुझसे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज करके। और अगर आपके पास में लर्निंग ऐप पहले से है अनअकैडमी का, तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमारा अभी लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अनुसार हमें मिली हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जानिए, जो लोको पायलट का यानी कि ALP का जो आपका एग्ज़ाम अभी हुआ है, आप में से किसी ने दिया होगा तो देखा होगा, उसके अंदर रेलवे ने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप UR से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और अगर आप OBC से हैं तो आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और अगर आप SC से हैं तो भी आपको 30% मार्क्स ही लाने होंगे। और अगर आप ST से हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने अनिवार्य थे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन रखी थी, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था रेलवे का, और कुछ इसी प्रकार से आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो UR के लिए यानी कि 40% मार्क्स, SC OBC के लिए 30% मार्क्स, ST के लिए 25% मार्क्स, जो क्राइटेरिया LP के अंदर था, इस क्राइटेरिया में जो भी BTEC और डिप्लोमा और जो ITI ये वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने भी इसको पार किया, उनका लगभग सिलेक्शन हो गया। ये क्राइटेरिया एक चीज़ आप जान लीजिए, जो ये है, ये 75 मार्क्स में से था, ठीक है, 75 मार्क्स के अंदर से था, ठीक है। जिसको इसने पार किया, ITI तीन कैटेगरी वाले, इसमें मेनली चार कैटेगरी थी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एक तो ITI, BTEC डिप्लोमा, ठीक है, एक BTEC वाले, एक डिप्लोमा वाले, और एक थे PCM वाले, ठीक है, PCM जिन्होंने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो जो ITI वाले हैं और BTEC और डिप्लोमा वाले हैं, ये ALP के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ITI वाले तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो BTEC वाले थे इसमें किसके लिए एलिजिबल थे, ALP और टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट, जिन पर PCM वाले भी एलिजिबल थे। लेकिन PCM वालों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर PCM वालों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ दो ही पोस्ट हैं, जो कि एक है टेली कम्युनिकेशन और एक है सिग्नल वाली पोस्ट। यही पोस्ट दी गई थी ALP एग्ज़ाम के अंदर, और इन पर BTEC वाले और प्लस आपके जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं, और ITI वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आप समझिए, मैं ये सारी चीज़ आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप जो ALP की कट ऑफ है उसको समझ पाएँ, ठीक है। अब आपने देख लिया कि कौन कौन से इसमें कैंडिडेट थे और क्या क्या उनके लिए पोस्ट थी, ठीक है। अगर हम बात करें अब कट ऑफ की वहाँ पर, तो जो भी कट ऑफ रही है, मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया था BTEC और ITI डिप्लोमा के लिए, वो सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइड क्राइटेरिया जो इसने पास किया है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी वैसे रिवाइज होगा रिजल्ट, उसमें ज़्यादा चांस नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ इसमें जो पास किए हैं BTEC ITI, कहीं कहीं पर 9 से 10 गुना कैंडिडेट को इन्होंने लिया है पोस्ट के अकॉर्डिंग। जहाँ किसी RRB में अगर मान लेते हैं 4000 वैकेंसी थी, तो वहाँ पर इन्होंने 32,000 कैंडिडेट को रिक्रूट कर लिया है, शॉर्टलिस्टेड कर लिया है CFD 2 जो एग्ज़ाम होगा। लेकिन रेलवे ने क्या कहा था कि हम 15 गुना लेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने 15 गुना नहीं लिए। और क्या कहा है उसके उसमें कि 15 गुना हमने क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा था। तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ से, जो
क्राइटेरिया है ये, उसको पार करने वाले बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, 8 के आसपास गुना ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन्हें 10 लाख के आसपास कैंडिडेट लेने थे सीबीटी 2 के लिए, 10 लाख के आसपास, लेकिन अभी जो इन्होंने लिए हैं वो 5 से 6 लाख के बीच में कैंडिडेट को लिया था। रिवाइज्ड होगा रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज हो सकता है या इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप डी की कटऑफ पर। अब ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, जो क्राइटेरिया है मिनिमम सिर्फ उसी को अगर किसी ने पार किया है तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए चला गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें रेलवे जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यहाँ पर वैकेंसी आपकी 60,000 के आसपास है जैसा पहले था, और इसमें साथ में एक चीज़ और नई इंक्लूड की गई है कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी, क्योंकि जो बीटेक डिप्लोमा है ये चले तो जाते हैं ग्रुप डी के अंदर, लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं एक साल के अंदर ही। तो ये समझिए कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छे से पेपर दे दिया है तो आपकी जॉब कन्फर्म है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर कट ऑफ की मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा मार्क्स का, तभी उसकी कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ होगी, जैसे नॉर्मलाइजेशन के बिना आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आप देखेंगे कि लगभग आपके 60 से 65 आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद की अब हम कट ऑफ की बात करेंगे। जैसे अब मैंने आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन में लगभग 20 से 25 मार्क्स कैंडिडेट्स के बढ़े हैं जो आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ है। अगर हम अब बात करें यहाँ पर, तो ऐसे ही मार्क्स आपको यहाँ पर भी बढ़े हुए मिलेंगे, और कट ऑफ जो लगाई जाएगी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगाई जाएगी। तो जनरल की अगर हम बात करें, जनरल के लिए आपको मैं बता दूँ 70 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है वो रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। इसमें आप प्लस माइनस 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जनरल की आपने देख लिया 70 के आसपास, 70 प्लस माइनस 5 के आसपास रहेगी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। यानी कि अगर आप इसको बिना नॉर्मलाइजेशन के देखें तो इसमें से 20 मार्क्स भी कम कर सकते हैं, तो ये आपको 50 के आसपास ही देखने को मिलेगी। और ये देखना आप, ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। अब बात करते हैं OBC की, तो OBC की अगर हम यहाँ पर देखें, कट ऑफ जो रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 65 के आसपास रहने वाली है। और अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो ये 60 के आसपास, इसमें प्लस माइनस की जो रेंज है उसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हो सकता है। और जो ST की कट ऑफ रहेगी वो 55 के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और इसमें वेटिंग लिस्ट का भी क्राइटेरिया है, तो आप ये समझिए अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत जॉब ना मिलके एक साल बाद भी जॉब मिलने की पूरी चांसेस हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।